नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश की बात में। मैं हूँ राजश्री आपके साथ, और आज हम बात करेंगे सियासत में जबान की। ये बात यूं देखा जाए तो कल से ही चल रही है, और लगातार कई तरह की बातें और उन बातों से जुड़े विवाद भी सबके सामने आ रहे हैं। जी हाँ, मेरा इशारा कांग्रेस की ओर है। कांग्रेस के महाधिवेशन में जब तमाम वक्ताओं ने बोला, और तब सबसे ज़्यादा नज़र राहुल गांधी पर रही, और कई राजनीतिक विशेषकों का कहना था कि राहुल गांधी बहुत लंबे समय के बाद बहुत आत्मविश्वास से भरे दिखे हैं और बहुत अच्छा बोले हैं। लेकिन राहुल गांधी के इस बोलने में भी कहीं कुछ ऐसी कमी रह गई जिसकी वजह से वो एक बार फिर से हंसी के पात्र भी बन गए, और इस बात की ताकीद भी हुई कि जिस देश में आप रहते हैं उस देश को उसकी भाषा के साथ ही समझना बेहद ज़रूरी है, यहाँ की भावनाओं को। ऐसा क्या कहा है राहुल गांधी ने जिससे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी की पूरी तैयारी कहीं ना कहीं कम हो जाती है जब इस तरह की बातें सामने आती हैं। और केवल राहुल गांधी नहीं, तमाम राजनेता हैं हमारे बीच जो कई बार बोलना कुछ चाहते हैं, बोल कुछ और जाते हैं, और इससे पूरी राजनीति का उनका जो राजनीतिक कद है वो कैसे हास्यास्पद स्थिति में पड़ जाती है, ये भी हम आपको दिखाएंगे। और अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है, डिजिटल मीडिया का ज़माना है, ऐसे में हर छोटी बड़ी बात कैसे बहुत बड़ी बन जाती है, और उन्हीं बातों के बीच कैसे ऐसे ऐसे तमाशे भी किए जाते हैं जो कई बार गलत भी होते हैं, किसी की छवि को बिगाड़ते भी रहते हैं, लेकिन उन तमाशों का अपना महत्व है। कम से कम चाहे अफवाह फैलाने की बात करें या फिर माहौल बनाने की बात करें उसके लिए भी, तो इस माहौल को समझने की कोशिश करेंगे, भाषा की ज़रूरत को समझने की कोशिश करेंगे, और भाषा के उपयोग और तथ्यों के उपयोग के को भी समझने की कोशिश करेंगे। हमारे देश में क्या है इनका उपयोग, ये जानेंगे आज देश की बात में। और देश की बात हो रही है तो देश की सरकार की भी बात करेंगे। मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा में आज फिर से टीडीपी और वाईएसआर कांग्रेस ने नोटिस दिया, लेकिन हंगामा इतना हुआ कि लोकसभा फिर से कल तक के लिए स्थगित हो गई और अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सका। इससे पहले शुक्रवार को भी अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस सदन ऑर्डर में न होने की वजह से स्पीकर ने नामंजूर कर दिया था, और आज भी कुछ यूं ही हंगामा चलता रहा और इसलिए स्पीकर को स्थगित करना ही पड़ा। उधर मोदी सरकार के 4 साल के कार्यकाल में पहली बार जब विपक्षी दल अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहती है, ऐसे में टीडीपी का अब एक और दावा सामने आया है कि अविश्वास प्रस्ताव को कई दलों का समर्थन हासिल है, और इस मामले में चंद्रबाबू नायडू ने बीजेपी अध्यक्ष नवीन पटनायक की बात क्यों की है, इसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। और इसी बीच चंद्रशेखर राव और ममता बनर्जी की जो मुलाकात हुई है, और ये कहा जा रहा है कि तीसरा गठबंधन बनाने की औपचारिक शुरुआत है, ये वाकई कितनी औपचारिक शुरुआत है या ये महज औपचारिकता है, ये भी हम देखेंगे। क्योंकि ममता बनर्जी के कद को देखें और चंद्रशेखर राव के कद को देखें तो इसमें जहाँ तक समझ में आता है कि जो ममता बनर्जी की कार्यशैली है उस शैली को शायद चंद्रशेखर राव बहुत ज़्यादा दिन तक निभा न पाए, और चंद्रशेखर राव का जो कद है उस कद को देखते हुए तमाम अन्य जो नेता हैं तथा कथित रूप से बड़े बड़े नेता हैं वो कितना मान पाएंगे उनको अपना नेता, ये सारी चुनौतियाँ हैं। और इन चुनौतियों के बीच कैसे कैसे सुर उभर रहे हैं, इन तमाम सुरों को हम समझने की और आपको समझाने की कोशिश करेंगे, और साथ ही ये भी बताएंगे कि वाकई कितनी मुश्किलें हो सकती हैं प्रधानमंत्री मोदी के लिए इस तरह की खबरों को जब वो सुनेंगे कि तमाम जो विपक्षी नेता हैं वो एक दूसरे के साथ बैठकर कुछ पकाने की कोशिश कर रहे हैं। पकाने की कोशिश यू पार्टी के अंदर यानी एनडीए गठबंधन के अंदर भी बहुत कुछ हो रही है। सूत्रों की माने तो रामविलास पासवान और उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में असहज अब महसूस करने लगे हैं। हमने आपको पहले ही बताया था कि रामविलास पासवान जो कि मौसम वैज्ञानिक उनको ज़्यादा कहा जा सकता है, क्योंकि जो भी दल अब मुसीबत में पड़ता है तो उसके पहले ही वो भाप लेते हैं और अपना पाला बदलने लगते हैं या सुर बदलने लगते हैं। रामविलास पासवान की एक मशहूर उक्ति है कि मैं अपॉर्चुनिस्ट नहीं हूँ, मैं जिधर जाता हूँ उधर अपॉर्चुनिटी आ जाती है। तो जी हाँ, क्या वाकई रामविलास पासवान अब नई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा क्या सोच रहे हैं, शिवसेना जो पहले से ही भविष्य में होने वाले सभी चुनाव में एनडीए का हिस्सा बनकर नहीं लड़ेगी इसकी घोषणा कर चुकी है, ऐसे में तमाम आंकड़ों को देखें तो किस तरह की स्थिति उभर सकती है बीजेपी के लिए यदि हम मुश्किल की बात करें। उधर पीडीपी के भी केंद्र से
नाराज चल रही है। महबूबा मुफ्ती ने आज फिर से एक बार कहा है और ये वो आठवीं बार बोल रही थी जब उन्होंने कहा है कि भारत को अब बड़े भाई की भूमिका में आना चाहिए और पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी से मेरी यही उम्मीद है। अब महबूबा जो बार बार ये बात कह रही हैं उसका क्या इससे क्या संदेश लिया जाए ये समझना बेहद ज़रूरी है। तो इन तमाम संदर्भों को हम समझने की आज कोशिश करेंगे देश की बात में। इसके अलावा तमाम खबरों के बीच हम यूपी सरकार के एक साल पूरे होने की बात भी करेंगे, उन तमाम वादों को भी याद करेंगे जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था और उन वादों की जो रियलिटी चेक है वो भी आपके सामने रखेंगे कि कितना कुछ मिला है कितना कुछ अभी मिलना है। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि एक साल का वक्त बेहद कम है मेरे सरकार की उपलब्धियों को आंकने के लिए और अभी मुझे और वक्त चाहिए उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक ठाक करने के लिए। लेकिन अभी भी उन्होंने दावे बहुत सारे किए हैं, बहुत एक तरह से अभी जो फूलपुर और गोरखपुर में जो हार हुई है योगी आदित्यनाथ की, उस हार से वो काफ़ी विचलित रहे हैं पिछले दिनों और उसके बाद आज जगह जगह उन्होंने कार्यक्रम किए और सब जगह उन्होंने ये कहा है कि सरकार अच्छी चल रही है और आने वाले दिनों में सबसे सशक्त मुख्यमंत्री वो रहेंगे, इस बात की ताकीद वो कर रहे थे। हालांकि वो गर्मी वो जोश आज योगी आदित्यनाथ में नहीं दिखाई दिया। इसे भी हम कोशिश करेंगे डिकोड करने की आखिर योगी आदित्यनाथ के अंदर की मुश्किलें क्या हैं देश की बात में आज आप देखेंगे आप। और अरविंद केजरीवाल जो कहा जाए कि जब भी धारा एक तरफ बहती है वो अलग से अपनी धारा बहाने की कोशिश करते हैं। आपको याद होगा उनका उद्भव कैसे हुआ और उनका विकास कैसे हुआ ये भी आपने देखा होगा। अब उन्होंने एक नई परंपरा नई प्रथा शुरू की है जिसे हालांकि तमाम दल कह रहे हैं कि घबराहट में उन्होंने ऐसा शुरू किया है, लेकिन अरविंद केजरीवाल की आखिर रणनीति क्या है इसके पीछे, वो क्यों हर किसी से माफ़ी मांगने लगे हैं, क्यों वो क्षमा याची होते जा रहे हैं और जितने भी लोगों की वो शिकायतें कर रहे थे अभी तक जितने लोगों के खिलाफ वो केस लड़ने की धमकी दे रहे थे या केस लड़ रहे हैं उन सभी लोगों से वो माफ़ी मांगकर आखिर करना क्या चाहते हैं अरविंद केजरीवाल। नितिन गडकरी से उन्होंने माफ़ी मांगी, कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल से माफ़ी मांग ली, मजीठिया से माफ़ी मांग ली, आने वाले दिनों में फहरिस्त और लंबी होती जाएगी। यानी कि अरविंद केजरीवाल उन तमाम लोगों से अब लड़ना भिड़ना क्यों नहीं चाहते, क्या इसके पीछे आने वाले भविष्य की कुछ सूचना है कुछ संकेत है या फिर अरविंद केजरीवाल बहुत परेशान हो गए हैं तमाम केसों को लड़ते हुए, जिस तरह से वो हर चीज़ को लाभ हानि में देखते आए हैं वो लाभ हानि उनका जो है वो बैलेंस शीट में उनको ऐसा लग रहा है कि इससे उनको कोई लाभ नहीं है, बात क्या है ये समझने की कोशिश करेंगे। उधर चारा घोटाले से जुड़े दुमका ट्रेजरी केस में सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने लालू यादव को दोषी करार दिया है और इस पूरे मामले में छूटा कौन ये भी हम आपको बताएंगे। और आपको पड़ोसी मित्र देश की ओर ले चलेंगे। व्लादिमीर पुतिन चौथी बार रूस के राष्ट्रपति चुने गए हैं और इससे पूरे रूस और की राजनीति में और रूस और भारत की आपसी संबंध में और रूस का पूरा जो विश्व पर व्यापक प्रभाव है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये हम देखेंगे। आज खबर अच्छी है, इस कड़ी में इंदौर से एक खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं और साथ ही आज के दिन के ऐतिहासिक महत्व की भी बात करेंगे और आज खास एक सितारा आपके लिए सामने होगा बॉलीवुड से। तो चलिए शुरू करते हैं देश की बात के इस नए सफर को। चंद्रबाबू नायडू का पार्टी तेलुगुदेशम पार्टी वाईएसआर कांग्रेस और एआईएडीएम के सांसदों ने अपनी अपनी मांगों को लेकर लोकसभा में आज जबरदस्त हंगामा किया। इस वजह से लोकसभा की कार्यवाही ठीक ढंग से नहीं चल पाई। आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा न दिए जाने से नाराज टीटीपी और वाईएसआर कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए 3 नोटिस दिए थे। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन सदन में हंगामा खत्म नहीं होने पर स्पीकर सुमित्रा महाजन ने लोकसभा को स्थगित कर दिया। इससे पहले शुक्रवार को भी दोनों दलों के अविश्वास प्रस्ताव सदन नहीं चलने की वजह से पेश नहीं हो सके थे। उधर टीडीपी ने दावा किया है कि अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में उसके साथ कई दल हैं और इस सिलसिले में बीजेडी से भी बात हुई है जो इस प्रस्ताव का समर्थन करेगी। लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच मोदी सरकार के खिलाफ आने वाला अविश्वास प्रस्ताव एक बार फिर टल गया।
टीडीपी और वाईएसआर कांग्रेस मोदी सरकार के खिलाफ संसद में पहला अविश्वास प्रस्ताव लाने की कोशिश में थी, लेकिन हंगामे के कारण उनके मंसूबों पर पानी फिर गया। पहले लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे और फिर दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में तेलुगु देशम पार्टी, वाईएसआर कांग्रेस और एआईएडीएमके के सांसदों ने जमकर शोर शराबा किया। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सदन में सरकार का पक्ष रखा, कहा अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए सरकार तैयार है, बशर्ते विपक्ष सहयोग करे। कुछ सम्मानित सदस्यों ने नो कॉन्फिडेंस मोशन भी मूव किया है। तहे दिल हम यह चाहते हैं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन पर चर्चा हो, और मैं सभी सदस्यों से अपील करना चाहता हूं कि सभी इस संबंध में सहयोग करें ताकि नो कॉन्फिडेंस मोशन पर चर्चा हो सके। इस बीच वाईएसआर कांग्रेस और टीडीपी ने सरकार पर आरोप लगाया कि अविश्वास प्रस्ताव को रोकने के लिए सरकार के कहने पर एआईएडीएम के सांसद जानबूझकर कावेरी जल विवाद के मुद्दे पर हंगामा कर रहे हैं। तो उन लोगों को मालूम है वादा क्या दिया है, राज्यसभा में क्या कमिटमेंट करा है, वो उन लोग एक्सेप्ट कर रहे हो तो कर को इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो ये सभी प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा। ये अच्छा नहीं है, देश का भी अच्छा नहीं। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठा कर ले को हमारा स्ट्रेंथ बताने में है। Rajnath ji says they're willing to discuss the no confidence motion. On the other hand, their friends are shouting and preventing discussion. Then the speaker says that the house is not in order, but somehow that was not a concern when the finance bill was passed. It was passed without the house being in order. So just to count 50 people standing in their seats would not have been that difficult. I'm afraid that it looks as if this government is not willing to face the people and is not willing to face the representatives of the people. अविश्वास प्रस्ताव पर अब तक बीजेपी की सहयोगी शिवसेना के रुख को लेकर संशय था, लेकिन पार्टी नेताओं के बयान को देखकर लगता है कि अगर अविश्वास प्रस्ताव पेश होता है तो शिवसेना सदन का बायकॉट करेगी। हालांकि तमाम विपक्षी दल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। इस देश में और भी ऐसे मुद्दे हैं, राष्ट्रीय मुद्दे हैं, नेशनल इश्यूज हैं, नोटबंदी से लेकर भ्रष्टाचार तक, ये सभी का कारण भी अविश्वास ठहराव नो कॉन्फिडेंस मोशन बन सकता है। लेकिन तेलुगु देशम अपने स्टेट का इशू लेकर सामने आई है, लेकिन मैं उनका भी स्वागत करता हूं, उनका स्टेट का इशू है, लेकिन इस वक्त शिवसेना ने कोई निर्णय नहीं लिया है, मैं इतना कह सकता हूं। देखिए, हम लोग लगातार समाजवादी पार्टी के लोग विपक्ष की हर लड़ाई में साथ रहे हैं, और इस तरह का मोशन अगर आएगा तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी पुरजोर इस मोशन के और नो कॉन्फिडेंस मोशन के साथ रहेगी और सरकार का पुरजोर विरोध करेगी। एक और जहां हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही को दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा, तो वहीं राज्यसभा की कार्यवाही भी विपक्षियों के विरोध प्रदर्शन के चलते दिन भर के लिए स्थगित हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो टीडीपी के लोकसभा में 16 सदस्य हैं, जबकि वाईएसआर कांग्रेस के सदस्यों की संख्या 9 है। दोनों दल विपक्षी पार्टियों से अपने अपने नोटिस के समर्थन के लिए लामबंद करने में जुटे हुए हैं। सदन में अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए किसी भी नोटिस को कम से कम 50 सांसदों के समर्थन की जरूरत होती है। उधर सरकार ने अपने बहुमत का भरोसा जताया है, कहा है कि अगर अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में पेश भी हुआ तो वो उसे आसानी से परास्त कर देगी। वर्तमान में 539 सदस्यों वाली लोकसभा में बीजेपी के पास खुद के 274 सदस्य हैं, जबकि बहुमत के लिए 270 सदस्यों की ही जरूरत होती है। और उधर टीडीपी की भी शायद यही मंशा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सांसदों की जो अपने हिस्से में उन्हें रख पाए, और आने वाले दिनों में अविश्वास प्रस्ताव लेकर यदि आए भी तो अविश्वास प्रस्ताव कहीं खारिज ना हो जाए। ऐसे में उसके लिए ज़रूरी है कि तमाम विपक्षी दलों को वो एक साथ रोके। इसीलिए वो एक तरफ माहौल तो बना रही है कि अविश्वास प्रस्ताव मुझे लाना है, हमें लाना है, लेकिन वहीं पर सदन में हंगामा भी खड़ा रखती है ताकि अविश्वास प्रस्ताव वाकई वो न रख सके और सदन स्थगित हो जाए। इससे ज़्यादा से ज़्यादा वक्त उसे मिलेगा विपक्षी दलों को अपने साथ मिलाने में। लेकिन कुल मिलाकर इस पूरी कवायद में नुकसान आम जनता का ही होता है, और ये तमाम नेता अच्छी तरीके से समझते भी हैं। तो फेस करने के लिए हम तैयार हैं, क्योंकि बाहर भी हमारा समर्थन है, हाउस में भी हमारा समर्थन है। यदि आज के दिन में हाउस ऑर्डर में नहीं है, उसका पूरा जिम्मेदारी कांग्रेस के ऊपर है, और कांग्रेस इसके बारे में सोच ले, हम तैयार हैं। हो क्या रहा है पार्लियामेंट में, जो नो कॉन्फिडेंस मोशन जिसने मूव किया
ठीक है ना, वो तो चाहता है कि इस पे बहस हो, और वहां राजनाथ सिंह जी खड़े होकर कह रहे हैं कि हम भी चाहते हैं बहस हो, तो फिर स्पीकर को बहस करानी चाहिए। इसलिए हाउस एडजर्न हो रहा है, क्यों, अगर बहस होगी तो सरकार भी खतरे में आ सकती है। उधर तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की है। चंद्रशेखर राव ममता बनर्जी से मिलने के लिए कोलकाता पहुंचे। के चंद्रशेखर राव आने वाले लोकसभा चुनाव में गैर कांग्रेस और गैर बीजेपी का मोर्चा खड़ा करना चाहते हैं। 13 मार्च को सोनिया गांधी के डिनर में भी ममता बनर्जी शामिल नहीं हुई थी, हालांकि उनके प्रतिनिधि इस डिनर में शामिल हुए थे। इससे उनके थर्ड फ्रंट में शामिल होने की संभावनाओं को बिल्कुल मुमकिन तौर पर नहीं देखा जा रहा है, और ऐसे में सभी को ममता बनर्जी में ज्यादा संभावनाएं नजर आ रही हैं। चंद्रशेखर राव के इस मुलाकात के पीछे क्या कुछ रहस्य है, ये भी हम आपको दिखाएंगे और ये भी समझाने की कोशिश करेंगे इस रिपोर्ट के जरिए कि ममता बनर्जी क्या वाकई ऐसी नेता हैं जो सबको एक साथ लेकर चल पाएंगी। ममता बनर्जी का मूड और मूवमेंट हम सभी को याद है। एक और जहां कांग्रेस की अगुवाई में विपक्ष 2019 में मोदी के खिलाफ लामबंदी की कवायद कर रहा है, तो वहीं तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट की हवा देते हुए तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने कोलकाता के पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की। खबरों के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच बीजेपी और कांग्रेस से अलग तीसरे मोर्चे को लेकर बात हुई। चंद्रशेखर राव ने कुछ समय पहले कहा था कि देश की राजनीति में सुधार लाने की जरूरत है। इसके लिए उन्होंने 2019 लोकसभा चुनाव में सभी विपक्षी पार्टियों को एक साथ आकर एक नया फ्रंट बनाने का सुझाव दिया था। अगले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी को शामिल किए बिना तीसरा मोर्चा बनाने के चंद्रशेखर राव के प्रस्ताव पर सबसे पहले ममता बनर्जी ने हामी भरी थी। ममता ने राव के प्रस्ताव को अच्छा बताया था। उनकी सहमति के बाद ही दोनों की मुलाकात संभव हुई। 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव के पहले चंद्रशेखर राव और ममता बनर्जी की मुलाकात को गैर बीजेपी और गैर कांग्रेसी फ्रंट बनाने की दिशा में बड़े राजनीतिक कदम के रूप में देखा जा रहा है। ये बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि दोनों ही दलों की निगाह आगामी लोकसभा चुनाव से पहले अपने गठबंधन से और दलों को जोड़ने पर है। हालांकि थर्ड फ्रंट को लेकर ये पहली बड़ी बैठक थी, लेकिन माना जा रहा है कि अगर संभावना दिखाई पड़ी तो तमाम और छोटे दल इस मोर्चे में शामिल हो सकते हैं, खासकर वो पार्टियां जिन्हें अपने राज्यों में बीजेपी या कांग्रेस से खतरा है, यानी शिवसेना, आम आदमी पार्टी, बीजू जनता दल, RJD, समाजवादी पार्टी, BSP, झारखंड मुक्ति मोर्चा, TDP और तमाम दूसरे दल इस तीसरे मोर्चे में शामिल हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। जब एक नेता लाइव भाषण करता है तो उस रॉ में वो बह जाता है, और अक्सर ऐसी बातें मुंह से निकल जाती हैं, ऐसे शब्द मुंह से निकल जाते हैं जो अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। लेकिन नेता वही होता है जो अपने वक्त अपनी वाणी पर इस तरह का संयम रखे, इस तरह का काबू रखे कि वो आखिर क्या बोलना चाहता है वही बोले। लेकिन ये दौर सोशल मीडिया का दौर है, ऐसे में छोटी छोटी बातों का भी ऐसा शगुफा बनाया जाता है, ऐसा इसको बड़ा किया जाता है, इसके मजे लिए जाते हैं, उसको तरह तरह से एडिट भी किया जाता है ताकि एक माहौल बनाया जा सके किसी के भी विपरीत, जो कि गलत है। और इसी का शिकार हुई सोनिया गांधी भी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के पार्टी के महाधिवेशन में इस्तेमाल किए गए एक शब्द को लेकर सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है। इंदिरा गांधी की चिकमंगलूर में भारी जीत का जिक्र करते हुए सोनिया ने अपने संबोधन में कहा कि इंदिरा जी की शानदार जीत ने देश की राजनीति को पलट कर रख दिया। लेकिन क्योंकि सोनिया की मूल भाषा इटालियन है, इसलिए इसे सुनकर कभी कभार भ्रम हो जाता है, और इसी कड़ी में सोनिया गांधी के पलटकर शब्द को सोशल मीडिया में बलात्कार बताया जा रहा है। सामान्य ट्रोल करने वालों से लेकर खास विचारधारा से घटनाओं को देखने वाले पत्रकारों, सेलिब्रिटी ने भी सोनिया गांधी के इस तथाकथित बयान का मजाक उड़ाया। वैसे सोनिया जब से राजनीति में है लगातार हिंदी में ही भाषण देने की कोशिश करती हैं। ऐसा भी नहीं होता है कि वो हिंदी बस रटकर बोल देती हैं, उन्हें कम से कम इतनी हिंदी तो आती है कि बलात्कार और पलटकर का अंतर पता हो। हालांकि उनका भाषण अंग्रेजी में लिखा जाता है और रोमन में लिखकर वो पढ़कर उसे सुनाती हैं, और भाषण का वो अंश सुनिए और उसके बाद फिर आपको समझ में आएगा किस तरह से सोशल मीडिया में कुछ का कुछ हो जाता है। 40 वर्ष पहले चिकमंगलूर में इंदिरा जी की शानदार जीत ने देश की राजनीति को पलटकर रख दिया और कांग्रेस एक बार फिर शक्तिशाली पार्टी बनकर उभरी। और सोनिया गांधी बहुत अच्छी वक्ता नहीं है, उनके ही भाषण
का कमाल था कि प्रधानमंत्री मोदी आज इस ऊंचाई पर पहुंचे हैं जब उन्होंने मौत का सौदागर उन्हें करार दिया था। जावेद अख्तर उस वक्त उनका भाषण लिख रहे थे और मौत का सौदागर उन्होंने ये शब्द दिया था प्रधानमंत्री मोदी के लिए, तत्कालीन मुख्यमंत्री थे गुजरात में। और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी के लिए वो लहर उत्पन्न हुई थी धीरे 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 धीरे, जो उन्हें यहाँ तक पहुँचाई है कि आज वो सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में और सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री के रूप में हमारे देश में मौजूद हैं। लेकिन सोनिया गांधी की एक बात के लिए प्रशंसा जरूर करनी चाहिए कि उन्होंने भारत में आकर यहाँ की भाषा को अपनाने की पूरी कोशिश की, क्योंकि हिंदी वो भाषा है जो पूरे देश में एक तरह से सम्मानित है। लेकिन इसी देश में इसी हिंदी को लेकर तमाम तरह के आंदोलन चलाए जाते हैं कि हिंदी उनकी भाषा नहीं है, जहाँ पर यहाँ के लोग हिंदुस्तान के लोग और ही उसे अपना नहीं बना पा रहे हैं। ऐसे में विदेश से आई हुई एक स्त्री यदि इस भाषा को अपनाती है तो उसकी प्रशंसा तो की जानी चाहिए। बहरहाल पाकिस्तान की ओर से बार बार हो रहे सीज फायर उल्लंघन के बीच जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर से पाकिस्तान के साथ बातचीत पर बल दिया है। हाल में ये आठवीं बार है जब महबूबा मुफ्ती ने पाकिस्तान से वार्ता की वकालत की है और अपील की है प्रधानमंत्री मोदी से कि भारत ही बड़ा भाई बने और पाकिस्तान से वार्ता करे, ताकि हमारे देश के जवानों पर जो गोलियां चला रहा है हमारा दुश्मन वो रोका जा सके, और जो हमारे कश्मीर के भाई बंधु हैं जो इससे घायल हो रहे हैं, जो कश्मीर में स्थिति है उस स्थिति को भी संभाला जा सके। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने साल 2003 में जम्मू कश्मीर में शांति बहाली को लेकर पाकिस्तान गए, जिसका असर देखने को मिला था। लेकिन जब पीएम मोदी पाकिस्तान गए तो पठानकोट की दुखद घटना घटी। महबूबा मुफ्ती ने पाकिस्तान और भारत दोनों से सीमा पर शांति बहाली की अपील की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि संघर्ष से दोनों तरफ के लोग मारे जा रहे हैं जो निर्दोष हैं। महबूबा मुफ्ती ने पुंछ सेक्टर में मारे गए 5 नागरिकों को भी श्रद्धांजलि दी। आंकड़ों के मुताबिक पाकिस्तान की ओर से साल 2018 में मार्च तक 209 बार सीज फायर का उल्लंघन किया जा चुका है। साल 2017 के दौरान संघर्ष विराम उल्लंघन की कुल 860 घटनाएं हुई थी। और कश्मीर से सीधे आपको उत्तर प्रदेश लिए चलते हैं। यूपी की योगी सरकार ने एक साल पूरा कर लिया है। इस दौरान यदि योगी आदित्यनाथ की हम बात करें तो कई सारे शब्द हैं जो तुरंत दिमाग में आते हैं। वो कासगंज है, एनकाउंटर है, वो मदरसा है, वो होली है, वो ईद है, वो तमाम अन्य तरह के शब्द हैं। विकास भी है जिसमें, और जिसमें अंग्रेजी शिक्षा भी है। ये वो शब्द हैं जो योगी आदित्यनाथ ने खूब बोला, खूब समझाया। गोरक्षा से लेकर रोमियो स्क्वाड तक ये तमाम ऐसे चीज़ें होती रहीं। एंटी रोमियो स्क्वाड तक भी बनाया उन्होंने, और उसके बाद भी बहुत कुछ ऐसा घटता रहा जिसे ऐसा लगा कि योगी आदित्यनाथ शायद अभी तक अपनी प्रशासनिक पकड़ नहीं बना पाए हैं उत्तर प्रदेश सरकार पर। उधर इस एक साल के पूरा होने पर जश्न मनाया जा रहा है। सरकार एक साल की कामयाबी पर अपनी पीठ थपथपा रही है। सरकार अपनी उपलब्धियों को जमकर बता भी रही है और ये बताने की कोशिश कर रही है, ये जताने की कोशिश कर रही है कि हमने एक साल में यूपी की तस्वीर बदल दी है। सरकार ये कह रही है कि यूपी में सब कुछ बदल गया है और सब कुछ ठीक हो रहा है, और एक साल का वक्त बहुत कम है हमारी सरकार की उपलब्धियों को गिनवाने का। लेकिन विपक्ष सरकार की नीति पर और नियत दोनों पर लगातार सवाल उठा रहा है। सरकार के का क्या कहना है और विपक्ष का क्या आरोप है, इस द्वंद पर देखिए ये रिपोर्ट। योगी सरकार गोरखपुर और फूलपुर में करारी हार के बाद एक साल पूरा होने का जश्न मना रही है ताकि हार की टीस कम हो, कार्यकर्ताओं में फिर से जोश आए। लोक भवन में पूरे जोश से सरकार के एक साल पूरे होने पर जश्न मनाया गया। राज्यपाल राम नाईक, मुख्यमंत्री योगी, उप मुख्यमंत्री समेत सभी मंत्री और अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकार द्वारा किए गए कामों का बखान किया। योगी ने किसान कर्ज माफी योजना को लेकर अपनी पीठ थपथपाई। एंटी रोमियो स्क्वाड, अवैध बूचड़खानों पर रोक, पुलिस की फुट पेट्रोलिंग को सरकार की उपलब्धि बताया। प्रदेश में व्याप्त अराजकता और गुंडा राज की स्थिति थी। प्रदेश का किसान आत्महत्या कर रहा था। प्रदेश में निवेश करने की बात तो एक सपना थी। प्रदेश में भय और दहशत का माहौल था। आज हम कह सकते हैं
उत्तर प्रदेश के अंदर एक नई स्थिति बदली है। आइए ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि सरकार ने क्या क्या काम किया। किसान कर्ज माफी, 36,000 करोड़ के बजट के जरिए 34,00,000 किसानों का कर्ज माफ किया गया। एंटी रोमियो स्क्वाड मुहिम में 10,00,000 से ज्यादा जगहों पर चेकिंग, 2608 मामले दर्ज, 1450 पुलिस एनकाउंटर हुए, 45 अपराधी मारे गए, 380 जख्मी हुए, 3350 अपराधी गिरफ्तार। नकल विरोधी अभियान में 12,00,000 छात्रों ने परीक्षा बीच में ही छोड़ दी। छात्रों में ज्यादातर दूसरे राज्यों के थे और नकल के भरोसे यूपी में परीक्षा देना चाहते थे। इन्वेस्टर समिट के जरिए 5,00,000 करोड़ रुपए के MOU साइन हुए। इस साल 1.54 करोड़ बच्चों का स्कूलों में दाखिला हुआ। 1.67 करोड़ स्कूली बच्चों को पहली बार स्वेटर, मोजे और जूते दिए जाने का दावा। 1,00,000 किलोमीटर की सड़कों को गड्ढा मुक्त किए जाने का दावा। मुख्यमंत्री का दावा है कि पिछले एक साल में बहुत काम हुआ है, सरकार ने जनता के हित में काफी काम किए हैं, भ्रष्टाचार रोकने के लिए सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं। कि भाई सरकार ने, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, सिंचाई का क्षेत्र हो, शिक्षा का या चिकित्सा का हो, चाहे वो निर्माण के कार्यों का हो, उन सब में बेहतर काम करने का लक्ष्य प्राप्त किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। ये कड़वी हकीकत है कि यूपी के बुंदेलखंड में कर्ज के बोझ से दबे किसानों की खुदकुशी का सिलसिला थम नहीं सका है। किसान अभी भी त्रस्त हैं। प्राकृतिक आपदा की मार सह रहे लोगों के लिए फसल बीमा योजना परवान नहीं चढ़ सकी है। जाहिर है एक साल में कुछ कदम जरूर उठाए गए, लेकिन जनता की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। जनता अच्छे दिन के इंतजार में आपा खो रही है और इसका असर उपचुनाव पर पड़ा है। अब देखना होगा कि योगी सरकार अब जनता के दिल में फिर से जगह बना पाती है या नहीं। यूपी में बड़े बहुमत के साथ बीजेपी को बड़ी जिम्मेदारी भी मिली। जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए सरकार ने कदम तो उठाए, लेकिन आड़े आ गया नौकरशाही का अड़ियल रवैया और तंत्र का नकारापन। उत्तम प्रदेश का सपना अभी भी कोसों दूर है, जाहिर सी बात है। ऐसे में सरकारी दावों पर एतराज जताए जा रहे हैं और जश्न पर सवाल उठाए जा रहे हैं। सहयोगी अवनाश मिश्रा के साथ ज्ञानेश शुक्ल, APN, लखनऊ। और यूपी में योगी सरकार के कामकाज का एक साल पूरा हो गया, जैसा कि हमने आपको दिखाया, जश्न भी खूब मनाया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी ने अपने सरकार की उपलब्धियों को खूब गिनाया भी और खूब बखान किया, लेकिन अब भी सरकार के ऐसे कई दावे और वायदे हैं जिन्हें धरातल पर उतारना है। स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, बिजली और पानी जैसी मूलभूत जरूरतों पर सरकार के सामने तमाम चुनौतियाँ हैं। कहने को तो बहुत कुछ हुआ है, लेकिन ऐसा बहुत कुछ है जो अभी करना बाकी है। साल 2019 के चुनाव को देखते हुए उन्हें वक्त पर जमीन पर उतारना भी होगा, जिसका वायदा सरकार ने किया था। सरकार के लिए यही सबसे बड़ी चुनौती है कि जो बातें उसने कही हैं, उन बातों को केवल बयानों के शोर में खो देना चाहेगी या फिर कुछ वाकई वो करके दिखाएगी। क्या कुछ अभी करना बाकी है योगी सरकार के लिए, देखिए इस रिपोर्ट। योगी सरकार ने अपने कार्यकाल का एक साल पूरा कर लिया है। पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में यूपी में अपराध और भ्रष्टाचार को खत्म करने, विकास और गरीबों की बेहतरी के लिए काम करने के दावे किए थे, लेकिन ये जानना जरूरी है कि योगी सरकार अपने दावों पर कितनी खरी उतरी और आगे उसके लिए क्या क्या चुनौतियां हैं। किसानों की कर्ज माफी। बीजेपी ने वादा किया था कि सत्ता में आते ही वो किसानों का कर्ज माफ करेगी और उन्हें बिना ब्याज कर्ज दिया जाएगा। इसका फायदा प्रदेश के कुल 84,00,000 किसानों को मिलना था, लेकिन एक साल में महज 17,30,000 किसानों का कर्ज ही माफ हुआ है। ये कुल टारगेट का सिर्फ 22% है। शिक्षा और रोजगार। पहली से आठवीं तक के बच्चों को स्वेटर, मोजे और जूते मुफ्त दिए जाएंगे। ग्रेजुएट तक लड़कियों और 12वीं तक के लड़कों को लैपटॉप मुफ्त दिया जाएगा। इसके लिए सरकार ने दो बार टेंडर निकाले, लेकिन दिसंबर 2017 तक प्रक्रिया पूरी तरह से अमल में नहीं आ पाई है। यूपी के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 1.5 करोड़ बच्चों में से सर्दी खत्म होने तक सिर्फ 45% बच्चों को स्वेटर और मोजे बांटे जा सके हैं। 22 से 23,00,000 छात्रों में से अभी किसी को भी फ्री लैपटॉप नहीं मिला है। बिजली की समस्या।
योगी सरकार ने वादा किया था कि साल 2019 तक हर घर में बिजली होगी, 5 साल में 24 घंटे बिजली देने का वादा भी किया गया है। लेकिन अगर हकीकत पर नजर डालें तो गर्मी शुरू होते ही कटौती बढ़ गई है। सरकार ने बिजली की कीमतों में इजाफा किया है, रेट 50 से 150% तक बढ़े हैं। बावजूद इसके बिजली के दावे पर सरकार खरी नहीं उतर पाई है। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, योगी सरकार ने राज्य में 25 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और 6 एम्स बनाने का वादा किया है। बजट में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और एम्स के लिए पहले चरण में 4,323.89 करोड़ रुपए रखे गए हैं, पर अभी तक किसी भी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल या एम्स के लिए जमीन तक तय नहीं हुई है। गोरखपुर एम्स का शिलान्यास अखिलेश सरकार में किया गया था, लेकिन 1.5 साल बीत जाने के बाद भी इसका निर्माण शुरू नहीं हो पाया है। गड्ढा मुक्त सड़कें, सत्ता संभालते ही योगी सरकार ने प्रदेश की सड़कों को 15 जून 2017 तक गड्ढा मुक्त करने का दावा किया था, लेकिन सड़कें गड्ढा मुक्त नहीं हुई हैं और तमाम चुनौतियां आपने देखी। और इसी बीच 1 साल जब पूरा होने पर योगी सरकार लोकभवन में जश्न मना रही थी, लेकिन कोप भवन में बैठे सरकार के पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री ओम प्रकाश राजभर इसमें शामिल नहीं हुए। अपनी ही सरकार से खफा राजभर को मनाने संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना गए, लेकिन बात नहीं बनी। राजभर ने कहा कि अब तो मैं सीधे शाह से बात करूंगा। बीजेपी पर सत्ता के नशे में चूर होने का आरोप भी उन्होंने लगाया। उन्होंने कहा कि वो बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से मिलकर अपनी बात रखेंगे। राज्यसभा की वोटिंग को लेकर भी राजभर ने पत्ते नहीं खोले। विधानसभा में उनकी पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के 4 विधेयक हैं जो 10वीं सीट के चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। एक और योगी सरकार 1 साल पूरा होने के मौके पर महाजश्न मना रही है। मुख्यमंत्री सरकार की नीतियों की जमकर तारीफ कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि सरकार समाज के पिछड़े और गरीब वर्ग के लिए काम कर रही है। वहीं दूसरी ओर गठबंधन में शामिल सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सरकार को हर मोर्चे पर फ्लॉप बताया है। 10 में से हम बहुत कोशिश करेंगे तो वही जो मंदिर बनवाने वाले लोग होंगे। हम 70% 7% यूं कह लीजिए, 7% हम खिलाफ में भैया, यानी 3 नंबर दे रहे हैं, 3 नंबर इससे ऊपर नहीं। ओम प्रकाश राजभर का दावा है कि योगी सरकार में गरीब पिछड़े और कमजोर वर्ग के लोगों की उपेक्षा हो रही है, शासन प्रशासन में कहीं भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही है और भ्रष्टाचार पहले के मुकाबले और ज्यादा बढ़ा है। गंगा माई के साफ करने के लिए पैसा है, इन गरीबों के बच्चों को पढ़ा करके डॉक्टर मास्टर इंजीनियर कलेक्टर बनाने के लिए पैसा नहीं। ओम प्रकाश राजभर को मनाने की तमाम कोशिशें बीजेपी ने की, लेकिन उन्होंने अमित शाह के अलावा किसी और से कोई बात करने से मना कर दिया है। राजभर ने कहा कि शाह के चलते वो बीजेपी के साथ गठबंधन में शामिल हुए थे, लिहाजा उनसे मिलकर वो अपनी बात रखेंगे। ओम प्रकाश राजभर की नाराजगी इसलिए बीजेपी को भारी पड़ सकती है क्योंकि 23 मार्च को यूपी में राज्यसभा की 100 सीटों पर वोटिंग होनी है। विधानसभा में SB/SP के 4 विधायक हैं और ऐसे में राजभर की नाराजगी बीजेपी की रणनीति पर भारी पड़ सकती है। बीजेपी ने 10वीं सीट पर BSP के उम्मीदवार को रोकने और अपनी जीत के लिए घेराबंदी की है, लेकिन अगर ओम प्रकाश राजभर नहीं मानते तो बीजेपी की मुश्किल बढ़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। उधर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बगावती तेवर दिखाने के बाद अपना दल के भी सरकार से नाराज होने की खबर आ रही है। खबरों की माने तो यूपी में 9 विधायकों वाला अपना दल राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ वोटिंग तक का फैसला ले सकता है, ऐसे इशारे मिल रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक अपना दल के कई विधायक उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के कामकाज से और अपनी पूछ नहीं होने से नाखुश हैं। विधायकों का मानना है कि सरकार का उनके प्रति व्यवहार बिल्कुल सौतेला है। उधर कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में लिंगायत समुदाय को अलग धर्म का दर्जा देने का सुझाव राज्य की सिद्धरमैया सरकार ने मान लिया है। ये दर्जा नागभूषण कमेटी के सुझाव के बाद राज्य अल्पसंख्यक कानून के तहत दिया गया है। अब इस प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी के लिए केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा। कर्नाटक में अगले 2 महीने के अंदर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में ये फैसला काफी अहम माना जा रहा है। यहाँ लिंगायत समुदाय का अपना प्रभाव है और ये माना जाता है कि कर्नाटक की राजनीति को
सुनिश्चित करने में उनकी अहम भूमिका होती है। कर्नाटक में 224 सदस्यों वाली विधानसभा में 52 विधायक लिंगायत समुदाय के हैं। सिद्धारमैया सरकार का ये मास्टर स्ट्रोक बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि कर्नाटक के करीब 17% आबादी वाला ये समुदाय परंपरागत रूप से बीजेपी का वोटर रहा है। माना जाता है कि 10 साल पहले जब पहली बार कर्नाटक में कमल खिला था तो इसमें लिंगायत समुदाय का अहम योगदान रहा था, और इस चुनाव में भी लिंगायत समुदाय के अधिकारों और उनकी अलग पहचान को एक अहम मुद्दा बनाने की कोशिश में बीजेपी लगी हुई थी, लेकिन सिद्धारमैया ने बीच में ही खेल बिगाड़ने की कोशिश की है। अब ऐसे में केंद्र सरकार की बड़ी जिम्मेदारी हो जाएगी ये तय करने में कि कर्नाटक में क्या कुछ होगा। और अब लेंगे छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के पहले देखते हैं नेशनल टॉप 5 खबरें। काफी वक्त से अपनी पार्टी से नाराज चल रहे बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने कांग्रेस नेताओं की जमकर तारीफ की है। सिन्हा ने एक के बाद एक कुल 4 ट्वीट किए, जिसमें बीजेपी के लिए आगे कठिन वक्त की भविष्यवाणी थी, तो दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी समेत कांग्रेसी दिग्गजों की शान में कसीदे थे। शत्रुघ्न सिन्हा ने ट्वीट कर बीजेपी को सलाह दी कि आने वाला वक्त उसके लिए काफी उथल पुथल भरा रहने वाला है, लिहाजा वो उसके लिए तैयार रहे। इलाहाबाद के फूलपुर में पहली बार कमल खिलाकर हीरो बने केशव प्रसाद मौर्य अब विलन हो गए हैं। केशव मौर्य से नाराज कुछ कार्यकर्ताओं ने इलाहाबाद में एक विवादित पोस्टर झूसी के गंगा पुल पर लगाया है, जिसमें केशव मौर्य पर ढेरों आरोप लगाते हुए उनसे इस्तीफे की मांग की गई है। खुद को उपेक्षित कार्यकर्ता बताकर पोस्टर जारी करने वाले कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री मोदी से इस मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की है और केशव मौर्य से इस्तीफा दिलाने की प्रार्थना की है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक बोर्ड की 12वीं परीक्षा की कॉपियां जांच में अजब गजब नजारा देखने को मिल रहा है। बोर्ड परीक्षा की कॉपियों का मूल्यांकन फिरोजाबाद के तिलक इंटर कॉलेज में किया जा रहा है, जहां पर जिन बच्चों का पेपर खराब हुआ है उन्होंने अपनी अजीब दलीलें लिखकर कॉपियों में 50 और 100 के नोट डालकर परीक्षकों को लुभाने की कोशिश की। पाकिस्तान में छिपे बैठे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के साथी फारूक टकला मामले में सीबीआई ने बड़ा खुलासा किया है। सीबीआई ने अपनी पूछताछ में पता लगाया है कि साल 2011 में यूपीए सरकार ने फारूक टकला को फर्जी पासपोर्ट जारी किया था। फिलहाल फारूक टकला 28 मार्च तक सीबीआई रिमांड पर है। सेना ने भारत में व्हाट्सएप इस्तेमाल करने वालों को सतर्क किया है। अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो जारी करते हुए सेना ने कहा है कि भारतीय यूजर्स का व्हाट्सएप चीन के हैकर्स के निशाने पर है। सेना के मुताबिक व्हाट्सएप हैकिंग का नया जरिया है। चीनी हैकर्स हर तरह के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं और व्हाट्सएप ग्रुप इसका नया जरिया बना हुआ है। वीडियो में किसी खास नंबर का जिक्र तो नहीं किया गया है, लेकिन इसमें बताया गया है कि +86 से शुरू होने वाले जो चीन के नंबर हैं वो भारतीयों के व्हाट्सएप ग्रुप में दाखिल होकर जानकारियां हासिल करना शुरू कर देते हैं। सेना ने लोगों को आगाह किया है कि वो सोशल मैसेंजर ऐप्स को सावधानी और सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल करें। इससे करीब 4 महीने पहले सेना ने चीन से लगती लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर तैनात सैनिकों को व्हाट्सएप समेत कई खतरनाक ऐप्स के इस्तेमाल को लेकर चेतावनी दी थी और मना किया था कि सेना के लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल न करें। इन दिनों नवरात्रि चल रही है और नवरात्रि के पहले फागुन का महीना चल रहा था, और जहां पर होली के बाद कहा जाता है कि सब कुछ गिले शिकवे भुला दिए जाते हैं, शायद इसका असर अरविंद केजरीवाल पर सबसे ज़्यादा हुआ है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इन दिनों माफ़ी मांगते घूम रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने अकाली दल नेता से माफ़ी मांगी तो आम आदमी पार्टी की पंजाब यूनिट में काफ़ी घमासान मच गया। ये घमासान अभी थमा भी नहीं था कि अब केजरीवाल ने कुछ और नेताओं से माफ़ी मांग ली है, यानी केजरीवाल ने अब उन नेताओं से माफ़ी मांगनी शुरू कर दी है जिन पर उन्होंने अपने भाषणों बयानों में आरोप लगाए थे और जिन्होंने उनके खिलाफ मानहानि के दावे किए थे। और इस कड़ी में नितिन गडकरी का नाम और कपिल सिब्बल का नाम सबसे ऊपर है। इस बीच मनीष सिसोदिया ने कहा है कि हमारे पास जनता की सेवा करने के लिए वक्त है, न कि हम अपना वक्त केस लड़ने में बिताना चाहते हैं, इसलिए ये माफी जरूरी है। पंजाब के पूर्व मंत्री और अकाली दल नेता विक्रम सिंह मजीठिया से माफी मांगने के बाद अब अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल और उनके बेटे अमित सिब्बल से भी माफी मांगी है। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी नेता नितिन गडकरी को 16 मार्च को लिखे गए पत्र में कहा कि हम दोनों अलग अलग दलों में हैं। मैंने आपके बारे में बिना जांचे कुछ आरोप लगाए जिससे आपको दुख हुआ होगा, इसलिए आपने मेरे खिलाफ मानहानि का केस दायर किया। मुझे आपसे निजी तौर पर कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। इसके बाद गडकरी और केजरीवाल ने दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में केस को वापस लेने की अर्जी लगाई है। अरविंद केजरीवाल को कभी भी
झूठ बोलने के लिए माफी नहीं देनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल का गलती करके झूठ बोल करके माफी मांग लेना, ये तो उनका मोडस अपरेंडी है। इन्होंने गलती की है तो इनको सजा भुगतनी चाहिए। उधर कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल से भी केजरीवाल ने माफी मांगी है। आप नेताओं ने कपिल सिब्बल पर एक टेलीकॉम कंपनी से जुड़े टैक्स में मामले में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, जिसके बाद केजरीवाल और सिसोदिया के खिलाफ कपिल सिब्बल के बेटे अमित सिब्बल ने मानहानि का केस दायर किया था। ड्रग के खिलाफ लड़ाई चलती रहेगी, पंजाब की यूनिट भी कह रही है, हम भी कह रहे हैं, ड्रग के खिलाफ भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई थोड़ी खत्म होगी। लेकिन जैसा उस दिन मैंने कहा था कि हमारी लड़ाई कोर्ट कचहरी में नहीं पूरी होगी, हमारी लड़ाई तो जनता के बीच पूरी होगी। कोर्ट कचहरी में किसी की ईगो की लड़ाई हम नहीं लड़ेंगे। केजरीवाल जी ने और मनीष सिसोदिया ने ये मान लिया है कि वो सब आरोप बेबुनियाद थे और इसलिए उन्होंने माफी भी मांगी है। इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के पूर्व मंत्री और अकाली दल नेता विक्रम मजीठिया से भी माफी मांगी थी। पंजाब विधानसभा चुनाव 2017 के चुनाव प्रचार के दौरान केजरीवाल ने मजीठिया पर ड्रग्स के धंधे में शामिल होने जैसे गंभीर आरोप लगाए थे। केजरीवाल के इन आरोपों पर मजीठिया ने उनके खिलाफ मानहानि का दावा किया था, जिसके बाद केजरीवाल ने लिखित माफी मांगी। इससे पहले अगस्त 2017 में केजरीवाल ने हरियाणा के बीजेपी नेता अवतार सिंह भड़ाना को माफीनामा भेजा था। 2014 की एक रैली में केजरीवाल ने भड़ाना के खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद उन्होंने आप नेताओं के खिलाफ मानहानि केस फाइल किया था। वैसे मुख्यमंत्री केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के कई नेताओं ने वित्त मंत्री अरुण जेटली के खिलाफ भी भ्रष्टाचार में शामिल होने के आरोप लगाए हैं। आपका आरोप है कि जेटली ने 13 साल तक दिल्ली की क्रिकेट बॉडी DDCA में अध्यक्ष रहते घोटाला किया था। कई दिनों तक आप नेताओं ने जेटली के खिलाफ सोशल मीडिया में कैंपेन चलाया, जिसके बाद वित्त मंत्री ने केजरीवाल समेत आपके 5 नेताओं पर सिविल और आपराधिक मानहानि के अलग अलग 2 केस फाइल किए और 10-10 करोड़ के मुआवजे की मांग की। हाईकोर्ट में केजरीवाल की पैरवी कर रहे सीनियर एडवोकेट राम जेठमलानी केस छोड़ चुके हैं। उन्होंने केजरीवाल को सलाह दी थी कि वो अरुण जेटली से माफी मांग लें। हालांकि जेटली को लेकर केजरीवाल का फिलहाल कोई बयान नहीं आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। उधर RJD प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लाल प्रसाद यादव को चारा घोटाले के 4th मामले में भी दोषी करार दिया गया है। रांची में CBI की विशेष अदालत ने दुमका कोषागार मामले में आज लालू प्रसाद यादव समेत 19 आरोपियों को दोषी करार दिया है, जबकि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र समेत 12 अन्य आरोपियों को अदालत ने बरी कर दिया है। दोषियों पर सजा के मामले में परसों से 3 दिनों तक बहस होगी और माना जा रहा है कि कोर्ट लालू यादव को 22 मार्च को सजा सुना सकती है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। चारा घोटाले के 3 मामलों में सजा पाए RJD प्रमुख लालू प्रसाद यादव को दुमका कोषागार से निकासी के मामले में भी दोषी करार दिया गया है। विशेष CBI अदालत ने लालू प्रसाद यादव को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा था, लेकिन बीमार लालू अस्पताल से जब तक कोर्ट पहुंचे, अदालत ने उन्हें दोषी करार देने का फैसला सुना दिया। अदालत ने लालू यादव के साथ ही अजीत कुमार वर्मा, आनंद कुमार सिंह, नंद किशोर को दोषी ठहराया है। महेंद्र सिंह वेदी, राजकुमार, राजा राम, रघुनंदन प्रसाद, राजेंद्र कुमार, फुलचंद और शर्मेंद्र दास सहित 19 लोगों को भी कोर्ट ने दोषी पाया है, जबकि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा, MC सुवर्णो, ध्रुव भगत, अधीप चंद, जगदीप शर्मा, महेश प्रसाद, RK राणा समेत 12 लोगों को आरोप मुक्त करार देते हुए विशेष CBI अदालत ने उन्हें बरी कर दिया। दुमका कोषागार केस 3,13,00,000 रुपए के गबन का है। इससे पहले CBI की विशेष अदालत ने 5 मार्च को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। लालू जी दोषी पाए गए और डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा बरी किए गए, बाकी 8 लोगों को रिहा किया गया और शेष बचे लोगों को दोषी पाया गया। लालू प्रसाद समेत दोषी ठहराए गए सभी लोगों को अभी सजा नहीं सुनाई गई है। CBI अदालत में 21, 22 और 23 मार्च को सजा पर बहस होगी। उसके बाद हर दिन 6-6 दोषियों को सजा सुनाई जाएगी। ऐसे में माना जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव को 22 मार्च को सजा सुनाई जा सकती है। लालू प्रसाद के वकील का कहना था कि उन्हें RJD अध्यक्ष को दोषी ठहराए जाने की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने कहा कि लालू यादव की तबीयत और उम्र का हवाला देते हुए कम से कम सजा की मांग की जाएगी। सजा के बिंदु पर सुनवाई बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार के लिए फिक्स किया गया है। उसके बाद कितना उनको सजा दी जाती है उसका फैसला आएगा। RJD प्रमुख लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले के 3 मामलों में पहले ही सजा हो चुकी है। रांची की विशेष CBI अदालत ने चाईबासा केस में 24 जनवरी को लालू प्रसाद यादव को दोषी पाते हुए 5 साल जेल की सजा सुनाई थी, साथ ही 10,00,000 का जुर्माना भी लगाया था। लालू के अलावा जगन्नाथ मिश्रा को CBI की विशेष अदालत ने चाईबासा कोषागार से 35,62,00,000 रुपए का गबन करने के केस में ये सजा सुनाई थी। तब से लालू जेल में बंद है। चाईबासा के एक और मामले में भी लालू यादव को 5 साल और देवघर कोषागार मामले में 3.5 साल की सजा सुनाई जा चुकी है।
रफी सामी, APN रांची। राजेश तलवार और नुपुर तलवार को बरी करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले की छानबीन सुप्रीम कोर्ट अब करेगा। सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला सही है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने हेमराज की पत्नी खुमकुला बेंजाडे की याचिका मंजूर की है। बेंजाडे ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। हेमराज की पत्नी खुमकुला बेंजाडे ने याचिका में कहा है कि इस बारे में हाईकोर्ट का फैसला गलत है क्योंकि हाईकोर्ट ने इसे हत्या तो माना लेकिन किसी को दोषी नहीं ठहराया। इसका मतलब ये है कि आरुषि और हेमराज को किसी ने नहीं मारा, जबकि ऐसे में ये जांच एजेंसी की ड्यूटी है कि वो हत्यारों का पता लगाए। 15-16 मई 2008 की रात को आरुषि और हेमराज की हत्या हुई थी, जिसके बाद विशेष CBI जज एस लाल की कोर्ट ने नवंबर 2013 में डॉक्टर राजेश तलवार और डॉक्टर नुपुर तलवार को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। बाद में 12 अक्टूबर 2017 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्पेशल कोर्ट का फैसला पलटते हुए तलवार दंपत्ति को बरी कर दिया था। विश्व को एकता और शांति का संदेश देने के लिए इंदौर के एक शख्स ने अपनी बाइक से 40 देशों की यात्रा की है। धर्मेंद्र जैन नाम के इस शख्स का इस कठिन सफर में मुंबई के उनके एक दोस्त देवाशीष ने भी साथ दिया। दोनों ने इस यात्रा के दौरान लोगों का दिल तो जीता ही, विदेश में भी भारत की छवि को निखारा। देखिए रिपोर्ट। बाइक से दुनिया की सैर। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। इंदौर निवासी धर्मेंद्र जैन ने मुंबई के अपने एक दोस्त देवाशीष के साथ एक दो नहीं बल्कि विश्व के पूरे 40 देशों का बाइक पर भ्रमण किया। करीब 350 दिनों की इस रोमांचक यात्रा में वो 5 महाद्वीपों पर भी पहुंचे। वन वर्ल्ड वन राइड के नाम से शुरू की गई इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य दुनिया को भारत की गौरवशाली संस्कृति और परंपरा के बारे में बताना और पूरे विश्व को एकता और शांति के सूत्र में पिरोना था। इस रोमांचक सफर के दौरान उन्हें कई खट्टे मीठे अनुभव हुए। इंदौर पहुंचने पर लोगों ने इनका भव्य स्वागत किया। भारतीय संस्कृति को काफी सराहा, भारत के लोग काफी पसंद करते हैं, भारत को प्यार करते हैं और सभी लोगों ने हमें हाथों लिया। इस कठिन सफर के दौरान उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मॉस्को में -3 डिग्री के तापमान में बाइक चलाते हुए दुर्घटनाग्रस्त भी हुए, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और विश्व भ्रमण का अपना अभियान पूरा किया। साथ ही विदेशों में भारत की छवि को और निखारने में अहम भूमिका भी निभाई। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और बात करते हैं आज के दिन के ऐतिहासिक महत्व की। 19 मार्च है कुछ खास। 1932 मार्च के ही दिन, आज ही के दिन ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर की पहचान बने सिडनी हार्बर ब्रिज को खोला गया था। यह दुनिया का सबसे ऊंचा स्टील आर्क ब्रिज है। 134 मीटर ऊंचे इस पुल को ब्रिटिश कंपनी डॉर्मैन लॉन्ग एंड कंपनी लिमिटेड ने डिजाइन किया और इसे निर्माण किया। इसका डिजाइन न्यूयॉर्क सिटी के हेल गेट ब्रिज से मिलता जुलता है। और 19 मार्च 1972 में आज ही के दिन भारत ने अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ अगले 25 साल के लिए मित्रता, सहयोग और शांति के लिए संधि की थी। इसे इंदिरा मुजीब संधि के नाम से जाना जाता है। शुरू में इसे खासा समर्थन मिला लेकिन बाद में विरोधी इस संधि को भारत के पक्ष में बताने लगे। 1975 में बांग्लादेश के राष्ट्रपति मुजीबुर रहमान की हत्या के बाद आई सैन्य सरकार का झुकाव भारत विरोधी देशों की तरफ मुड़ गया और इस संधि का बहुत अर्थ नहीं रह गया। आज के देश की बातें बस इतना ही। आप देखते रहिए APN। नमस्कार।